देहरादून में गौ माता को राष्ट्रीय माता की प्रतिष्ठा दिलवाने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रेस वार्ता में भारतीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष और कथावाचक गोपाल मणि महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि वाचक गोपाल मणि ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर इसकी मांग हम कर रहे हैं और इसके प्रयास भी लगातार हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य जी के नेतृत्व में पूरे राज्यों में प्रचार भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में जनता और संसदीय क्षेत्र से एक एक व्यक्ति का चयन करना है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आगामी 6 फरवरी को गौ संसद का आयोजन प्रयागराज में होना है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर के दिल्ली के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि क्या उसका समाधान हो सकता है और जनता के बीच में क्या किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा यह है कि भाई अगर जैसे कि हमने अभी तक आपको बताया कि भाई 37 राज्यों में शंकराचार्य जी के द्वारा उनकी उनके आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में पूरे राज्यों में दूत भेज दिए गए हैं। पूरे देश की जनता को और संसदीय क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति का चयन करना और 6 फरवरी को गौ संसद का आयोजन प्रयागराज में होना, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो 10 मार्च को पूरे देश के जो गौ भक्त हैं वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे। फिर अंतिम निर्णय क्या होगा वो उस जनता के बीच में होगा कि अब क्या करना है।